एनटीपीसी का रिजल्ट तो आप सभी का आ गया है और कहीं ना रिजल्ट में गड़बड़ी तो हुआ है। और सबसे ज्यादा दुख पता है किसको हो रहा है, जिनका 60 प्लस नंबर है, 65 प्लस नंबर है, 70 नंबर है, बहुत सारे जोन में ना कट ऑफ जो है ना ना के बराबर गया है, बहुत सारे जोन में कट ऑफ बहुत ऊपर गया है। और मैंने पहले भी बोल दिया था पिछले बहुत 4 महीना पहले वीडियो में, पूरा सातों फेज का पेपर एनालाइज करवाने के बाद, हर एक क्वेश्चन का लेवल दिखाने के बाद, कि 65 प्लस के नीचे है तो सोचना बाबू बेवकूफी है, इसके नीचे सिलेक्शन तो ना के बराबर होगा, अब वीडियो देख लेना। अब बहुत लोग बोल रहे हैं 40-45 आया है, मेरा नहीं हुआ, सारे यूट्यूबर बोल रहे हैं कट ऑफ इतना गया, इतने में हो रहा था। बाबू मैंने तो कभी नहीं बोला कि आपका सिलेक्शन 40-45-50-55 में हो जाएगा, आज भी वीडियो पड़ा है, मैं वीडियो में पूरा 8 मिनट समझाया हूं हर शिफ्ट का पेपर दिखाने के बाद, कि 60 प्लस के नीचे तो आप सोच भी नहीं सकते। और उस दिन भी बहुत लोग गरिया रहे थे कि 15 तारीख को आपसे बात करेंगे, कि बाकी बड़े बड़े टीचर लोग बोल रहे हैं कि 45 में हो जा रहा है और आपका सब्सक्राइबर कम है, आप 60 प्लस 65 प्लस कैसे बोल रहे हैं, वो तो बात की बात है, आज 15 है तो आज बोल रहे हैं आप कट ऑफ 90 चला गया, लेकिन मेरा कहना है ना 60 प्लस जिनका था उनका सिलेक्शन बनता है। अगर आप एक चीज समझोगे, मान लो 5 पोस्ट है, ये समझना 40-45 वाले तो बाबू बात कर कर फायदा नहीं है, ग्रुप डी की तैयारी दिल से करो और सोचो ग्रुप डी में कट ऑफ कितना जाएगा और कितना का तैयारी कर रहे हैं। लेकिन 60 प्लस वालों का दर्द बहुत बड़ा है, अगर मान लो 5 पोस्ट आपके सामने, रेलवे के अनुसार 20 गुना बच्चे चूज करना है, यानी 20 5 यानी 100 बच्चे CBT 2 के लिए लेना है। अगर एक फेस में भी एग्जाम होता ना एनटीपीसी का सिर्फ CBT 1, तब भी मानकर चलते चलो सिलेक्शन ऐसे हुआ कोई बात नहीं, लेकिन आप CBT 2 का एग्जाम बच्चों को दिलवाएंगे और आप मात्र 20 गुना बच्चे चूस नहीं किए। अगर मान लो एक बच्चा 5 पोस्ट के लिए क्वालिफाई है, 5 पोस्ट के लिए क्वालिफाई किए, मतलब समझते हैं, एक ही बच्चा का 5 पोस्ट में नाम है, तो बच्चा 20 गुना आप उठाएगा। अगर एक डाटा समझोगे, मान लो ना हम 10-12-15 बच्चा नहीं सोच रहे हैं, मात्र 5 बच्चा ऐसा होगा, मात्र 5 बच्चा ऐसा, 5 बच्चा बहुत कम सोच रहे हैं, मान लो मात्र 5 बच्चा ऐसा होगा जो टॉपर होगा, जो 5 पोस्ट के लिए क्वालिफाई होगा, यानी 5 5 25, यानी 5 बच्चा ही 25 सीट खा गया। 4 बच्चा भी ऐसा होगा थोड़ा सा नीचे वाला, जो कम से कम 4 पोस्ट के लिए क्वालिफाई होगा, तो 16 सीट खा गया। 3 बच्चा जो टॉपर में होगा वो 3 पोस्ट के लिए क्वालिफाई होगा, तो 9 2 बच्चा 2 सीट के लिए, यानी कितना हो गया आपका 4। उसके बाद तो एक एक करके सब पोस्ट के लिए जोड़ दो, तो आप एक बार नॉर्मल सोचो कितना हुआ, 25 16 41 50 52, यानी 52 सीट कितने बच्चे खा गए, 5 4 9 3 12 14, यानी 14 बच्चे ही 52 सीट खा गए, 14 बच्चे ही, समझ रहे हैं, 14 बच्चे ही चुने गए हैं लेकिन 52 सीट खा गए, यानी 10 गुना सीट खा गए मात्र 14 बच्चे, जबकि रेलवे को कितना लेना था 20 गुना, लेकिन मात्र 14 बच्चे ही 52 सीट खा गए, बाकी जोड़ दीजिए 48 इसमें और जोड़ दीजिए हर एक एक पोस्ट के लिए, तो कितना होगा 40 50 8 4 12, 62 बच्चे चुने गए हैं, यानी कितना होता है जोड़ लीजिए 15 4 7, 20 गुना बच्चा चुना नहीं गया। अगर 20 गुना बच्चा चुनता तो ना 60 प्लस वाला को भी होता। एक नॉर्मल चीज समझिए, अगर एक फेस में एग्जाम होता तब ये कैलकुलेशन बिल्कुल सही था, सटीक था, किसी से पूछ लो। लेकिन अगर मान लो ना 1 2 3 4 5 को पोस्ट है, आपको बच्चे चुनने कितने हैं, आपको बच्चा चुनना है 5 बच्चा चुनना है, आपको 5 बच्चा चुनना है 5 पोस्ट के लिए, एक ही बच्चा ना जो टॉपर है वो 5 पोस्ट के लिए क्वालिफाई किया है, एक ही बच्चा 5 बच्चा आपको चुनना है, लेकिन एक ही बच्चा 5 पोस्ट के लिए क्वालिफाई किया है, तो आप बच्चा चुने कितना, एक बच्चा चुने 5 पोस्ट के लिए, 4 बच्चे छट गए। अब एक ही बच्चा एग्जाम देगा 5 पोस्ट के लिए, एक बच्चा एग्जाम दिया अपना पोस्ट लेकर निकल गया, बाकी 5 पोस्ट 4 पोस्ट खाली वैकेंट रह गया, या कम से अच्छा प्री का मतलब क्या होता है, प्री का मतलब होता है कि कम से कम बच्चों को उठाओ,
ताकि उन बच्चों के बीच में लड़ाई हो। आप तो बच्चा ही सीबीटू में कम चुने, ये सच्चाई है बाबू। विरोध होना बनता है, आप एक बार नॉर्मल वे में सोचो कहां गड़बड़ हुआ है। और ये दुख सबसे ज्यादा है ना वो 40-45 वालों के लिए नहीं है, क्योंकि 40-45 वाला उम्मीद लगाकर बैठे थे, बहुत सारे यूट्यूबर बता भी रहे थे हो जाएगा, नहीं होता बाबू। 40-45-50 में नहीं होगा। मैंने बार बार आपको मेरा वीडियो देखिएगा, एनालाइज कर, मैंने बताया था 60 प्लस के नीचे आप सोच भी नहीं सकते। और उस दिन भी बहुत लोग डरवा रहा था कि आपसे बड़ा बड़ा टीचर लोग 40-45 बोल रहा है, तुम 60-65 प्लस कैसे बोल रहा है। तो हम पूरा स्क्रिप्ट का पेपर भी आपको दिखाए थे, लेकिन कम से कम जो 60 प्लस लाए हैं ना उनके साथ कहीं ना कहीं गलत हुआ है। कल भी कॉमेंट था बहुत सारा, भैया मेरा 72 आया, 71 आया, उनका नहीं हुआ। और ऐसे भी बहुत सारे जोन है ना, ऐसे भी बहुत सारे जोन है, गुवाहाटी जोन देख लो, 45-48-49 में भी सिलेक्शन हो गया। तो ये कहीं ना कहीं इक्वलिटी नहीं हुआ, होता है ना एक मतलब एक सम्मान नहीं हुआ, हुआ ही नहीं। अगर आप इससे अच्छा है कि आप एक फेस में एग्जाम करवाइए, एक शिफ्ट में एग्जाम करवाइए, एनटीपीसी का एग्जाम एक ही बार करवाइए, ताकि जो है इक्वलिटी बना रहे, वो तो रहा ही नहीं, वो कहां है। और सबसे ज्यादा पता कौन चिल्ला रहे हैं, 40-45 वाले बाबू क्यों चिल्ला रहे हैं। अभी आपके पास ग्रुप डी का एग्जाम है, लगड़िए लड़िए, वहां पर सीबीटी 2 नहीं है, सीबीटी 1 ही है, तो वहां पर कटअप अनुमान लगा लो कितना जाएगा, आपको कितना तक करना है, कितना लगड़ना है, सोचो, बोलकर फायदा नहीं है। ठीक है, मेहनत करना पड़ेगा, अगर रिजल्ट चाहिए तो मेहनत करना पड़ेगा। मैं बार बार बोल रहा हूं, अभी बहुत मौका है, सोमवार से दोबारा से क्लास स्टार्ट करवाएंगे, पूरा रीजनिंग आपको लगड़ना है, मैथ लगड़ना है, जीके जीएस करंट अफेयर पूरा पढ़ना है। ग्रुप डी वालों सोच लो, डीमोटिवेट मत हो, ये 40-45-50 के बारे में सोचकर फायदा भी नहीं है, उतना में होता भी नहीं। मैंने पहले भी बोल दिया था, जो बोला था उतने में हो जाएगा, बात खत्म है। उतना में तो बाबू नहीं होगा, ये तो सियोर था, उतना में तो होना ना के बराबर चांस था, नहीं होता उतने में, ये मैंने पहले भी बोल दिया था। लेकिन रिजल्ट आने के बाद बहुत लोगों का 55-60 में हुआ भी है, और बहुत लोग का 70 में नहीं भी हुआ है, बहुत सारे जोन में। तो इनका दुख ना बहुत जायज है और बहुत दर्द हो रहा है स्पेशली इनके लिए। क्या रेलवे है मनमानी करेगी पता नहीं, आप लोग तैयारी अच्छे से करिए। एक बार ना अगर सभी टीचर लोग बोलेंगे तो विरोध करना बनता है, इसके ऊपर बनता है विरोध, क्योंकि जितने बच्चे चाहिए थे सब्जेक्ट 2 के लिए उतने बच्चे तो आपने चूज किया ही नहीं, जग जाहिर है। खैर, सोमवार से आपका पूरा क्लास चलेगा, रीजनिंग का हो, मैथ का हो, और रीजनिंग मैं बार बार बोल रहा हूं, पेपर उठाओ ग्रुप डी का, देखो पेपर में क्या क्या चीज आ रहा है, हम क्या क्या पढ़ रहे हैं, किस पर हमको काम करना है, कौन सा टॉपिक हमसे नहीं बन रहा है, कौन सा टॉपिक हम बना सकते हैं, जो हम छोड़ रहे हैं उस टॉपिक पर काम करो। अभी भी मौका है, अभी मौका हाथ से निकला नहीं है, एग्जाम से पहले ही अगर आप फिर 40-45 सोचने लगोगे, 50 में हो जाएगा, 55 में हो जाएगा, नहीं होगा। आप सोचो मेरा 80 प्लस तक का हम कैसे डाटा रेडी करें, टाइम तो है, अभी अभी सोचने का टाइम है, करने का टाइम है, और टाइम चला जाएगा ना, फिर आप 40-45-50 का उम्मीद लगाकर बैठेंगे, जो नहीं होगा।